शुजालपुर के टेपू चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं नगरपालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में बीजेपी के द्वारा कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का पुतला दहन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। आज शुजालपुर में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष व नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह का पुतला दहन किया गया। दरअसल पुतला दहन इसलिए किया गया क्योंकि डॉक्टर गोविंद सिंह ने रानी कमलावती के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी। दरअसल नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह एक कार्यक्रम में अपने भाषण में रानी कमलावती स्टेशन को लेकर राजा महाराजाओं का राजनाम बदलने की बात को लेकर रानी कमलावती पर अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आक्रोशित होकर आज शुजालपुर टेपू चौराहे पर डॉक्टर गोविंद सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाए और वह गोविंद सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेसियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की तो मति ही मारी गई है, वहां महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं। क्या है, कांग्रेस की आदत में है। कांग्रेस को जो भारतीय जनता पार्टी का 18 वर्ष का कार्यकाल जो दिख रहा है ना, जो विकास के कार्य दिख रहे हैं, लोग जिसको चाहते हैं भाजपा को, वो कांग्रेस इस चीज़ को पचा नहीं पा रही है। इसलिए उनकी जीवान वैसे तो वास्तविकता में देखा जाए तो हमेशा ही स्लिप होती रहती है, या हो सकता है जान करके भी करते हों, क्योंकि आदिवासी जो राजा थी पहले सन्माननीय कमलापति जी, उनका जातिगत सूचक से वो उन्होंने वो इंगित करके उन्होंने कहीं कहीं नुकसान किया है, तो पूरे समाज का नुकसान है इससे। इसलिए कांग्रेस तो ये काम करती ही रहती है और हमेशा से देखते आ रहा है अपन, ये हमेशा इस प्रकार की बातें करती रहती है, अनर्गल बातें। वहीं इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का पुतला दहन किया। वहीं इस कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष प्रवक्ता बैनी परमार व जिला अध्यक्ष अशोक नायक मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमबी न्यूज, शुजालपुर।